चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेराफॉर्म का लेक्चर नंबर 7। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म के ऊपर, एक छोटा सा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। और इस प्रोजेक्ट के बाद आप लोगों को बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा टेराफॉर्म के ऊपर। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट्स हम लोगों का किस टॉपिक के रिगार्डिंग होगा? तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग AWS पढ़ रहे थे तो AWS में एक टॉपिक था VPC, राइट? VPC, हम लोग VPC क्रिएट करते थे, उसके नीचे सबनेट क्रिएट करते थे, फिर उसके अंदर हम लोग IGW क्रिएट करते थे, नेट गेटवे क्रिएट करते थे, एक पब्लिक रूट टेबल क्रिएट करते थे, एक प्राइवेट रूट टेबल क्रिएट करते थे, राइट? एक सबनेट को पब्लिक रूट टेबल से निकालते थे, पब्लिक रूट टेबल में ऐड करके IGW से बाहर निकालते थे, एक सबनेट को हम लोग प्राइवेट रूट टेबल के थ्रू, नेट गेटवे के थ्रू हम लोग बाहर निकालते थे। मतलब पूरा का पूरा सेटअप हम लोगों ने ये ग्राफिकली किया था AWS की क्लासेस में। लेकिन आज हम लोग पूरा का पूरा सेटअप टेराफॉर्म के थ्रू करने वाले हैं, क्लियर? तो चलो इसको स्टार्ट करता हूं। तो टेराफॉर्म का जो आज का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डायग्राम देना चाहता हूँ, एक सिनेरियो देना चाहता हूँ, हम लोग करने क्या वाले हैं। तो पहले हम लोग उसे डायग्राम के फॉर्मेट में बनाते हैं। जब डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों का सारा आज के प्रोजेक्ट का जो सेटअप है पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, फिर हम लोग उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। हाँ, एक चीज बता दूं, VPC होता क्या ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये AWS में पढ़ लिया है। एक्चुअल में VPC है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ मैं उस चीज में फोकस करूंगा आज की वीडियो में जो हमारा प्रोजेक्ट का एजेंडा है, मेन मेन पॉइंट बस। चलो, तो आप लोगों को याद होगा हम लोग जब AWS में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक VPC क्रिएट करते हैं, राइट? जैसे एक VPC मैंने यहाँ पे बना लिया, मान लीजिए मैंने VPC का नाम रख लिया क्लाउड नॉलेज। फिर आप लोग से बोलता है कि VPC का आप CIDR ब्लॉक क्या देंगे, राइट? नेटवर्क क्या रखेंगे? तो मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सबनेट बनाते हैं, राइट? एक सबनेट हमने ये बना लिया, एक सबनेट हमने ये बना लिया, क्लियर? ये वाले सबनेट को हम लोगों ने एज अ कंसिडर कर लिया पब्लिक सबनेट, और ये वाले सबनेट को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया एज अ प्राइवेट सबनेट, क्लियर? उसके बाद इस बड़े रेंज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इस सबनेट को दे दिया जैसे 1.0/24, इसको दे दिया हमने, और इसको एक रेंज हमने असाइन कर दिया 2.0/24, क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या किया, एक VM हम लोगों ने क्रिएट किया यहाँ पर, जो हम लोगों ने इस सबनेट के अंदर बनाया। और फिर एक और VM हम लोगों ने क्रिएट किया जो हम लोगों ने इस प्राइवेट सबनेट में बनाया। और हम लोगों का एजेंडा था, इस वाले VM को हम लोग एज अ वेब सर्वर कंसीडर करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, और इसको एज अ डेटाबेस हम लोगों ने कंसीडर करना चाहते थे, क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमारा VPC रेडी हो गया। बोले तो एक काइंड ऑफ एक वर्चुअल डेटा सेंटर आपने AWS में लगा दिया। अब क्या होता था, ये पूरा का पूरा सेटअप AWS क्लाउड में लगा हुआ है और ये बाहर इंटरनेट है, क्लियर? ये बाहर इंटरनेट है, और ये मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है पर्सनल जो AWS क्लाउड के बाहर रखा हुआ है, और मान लीजिए ये वाले वेब सर्वर को इंटरनेट पे जाना है, तो क्या करते थे हम लोग एक रूट टेबल यहां पे क्रिएट किया करते थे। याद होगा आप लोगों को, यहां पर हम लोग एक रूट टेबल क्रिएट कर लेते थे। मान लीजिए नाम रख दिया मैंने public-RT। फिर ये वाला VM इस सबनेट के अंदर है, इसी के साथ साथ इस VM की एक IP भी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जब हमने क्रिएट किया इस सबनेट के अंदर तो इस VM को एक IP भी मिली है, और एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया कि इसे IP मिली है 1.100/24। जो भी IP मिलेगी इस रेंज का ही मिलेगा, परफेक्ट। ऐसे इस VM को भी एक IP मिल गई है, यहां पे लिख देता हूं 2.0/24,
2.100 जो भी आईपी इससे मिलेगी वो इस रेंज की ही रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने सब कुछ पहले से करवा रखा है, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोबारा से आज के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम लोगों ने ये पब्लिक हाइफन आरटी नाम का एक रूट टेबल हमने क्रिएट किया। इस रूट टेबल के अंदर हमने क्या किया, ये जो वीएम है जिस सबनेट के अंदर है इस सबनेट को हमने एसोसिएट कर दिया और हमने बोला कि इस सबनेट को इंटरनेट के बाहर निकालना है। अब इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस क्या होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड एड्रेस IPv4 का, तो हमने बोला कि ये बाहर निकालना है। लेकिन बाहर निकलेगा किसके थ्रू, हमने बोला IGW इंटरनेट गेटवे। अब ये इंटरनेट गेटवे कहां पे बना, हमने यहां पर एक इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट कर लिया IGW। क्लियर। फिर ये वीएम ऐसे होके यहां से होके बाहर निकल जाता है ना, इंटरनेट पे चला गया, फिर वो यहां पे भी आ सकता है, यहां गूगल का सर्वर होगा तो गूगल के सर्वर पे भी में भी जा सकता है। क्लियर। इसी के साथ साथ अगर हमने इसमें एज अ वेब सर्वर कंसीडर किया तो किसी इंटरनेट के बाहर से किसी को वेब सर्वर पे आना है, यहां पे आना तो हमने इसे बोला है कि भाई ये वाले वीएम को हमने एक पब्लिक आईपी भी दे दी, राइट, जो पब्लिक आईपी एक्चुअल में रहेगी कहां पर, IGW के पास रहेगी, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है और ये पब्लिक आईपी हमने इसके साथ एसोसिएट करा दी, तो हमने बोला कि ये वेब सर्वर चल रहा है, अगर ये बाहर में रखा हुआ कोई कंप्यूटर को वेब सर्वर एक्सेस करना है तो इस आईपी को हिट करो, ये आपको रिडायरेक्शन करा देगा, राइट। ये सारी चीजें होती थी, ये सारे टर्म्स हमने पहले से कवर कर रखे हैं, ये तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं। चलो, तो ऐसा करने से हुआ क्या है कि ये वाला सर्वर भी बाहर जा रहा है और बाहर से भी कोई इसके पास आ पा रहा है और ये वेब सर्वर भी है और ऐसा ही हम कुछ चाहते थे। लेकिन बाजू में ही जो डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर पे हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई बंदा डेटाबेस सर्वर पे आ सके, जैसे वेब पे आ रहा आने दीजिए, डेटाबेस पे नहीं आने देना चाहते। लेकिन एक सवाल उठता है कि डेटाबेस को कभी पैच अपडेट करना है तो इसे इंटरनेट चाहिए, मतलब इसे बाहर निकलना है, तो हम लोग क्या करते थे कि इसे IGW से बाहर ना निकाल के नेट गेटवे से निकालते थे ना, और हम लोग यहां पर एक नेट गेटवे क्रिएट कर लिया करते थे। यहां पर मैं लिख देता हूं नेट गेटवे, ठीक है। फिर हमसे पूछता था नेट गेटवे को कौन से सबनेट में बनाना है, तो आप लोगों को पता है कि नेट गेटवे उस सबनेट में बनाया जाता है जिस सबनेट को इंटरनेट पे, जो सबनेट इंटरनेट के बाहर जाने के लिए अलाउ होता है, तो हमने ये वाले सबनेट को बाहर निकल इंटरनेट पे जाने के लिए अलाउ कर रखा है, तो डेफिनेटली नेट गेटवे को हम उसी सबनेट पे बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम नेट गेटवे को इस सबनेट पे बनाएंगे तो इस सबनेट से एक आईपी नेट गेटवे को असाइन हो जाती है, ये भी टर्म्स हमने पहले से कवर कर रखे हैं, क्लियर। उसके बाद नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी भी चाहिए होती है, लेकिन नेट गेटवे को जो पब्लिक आईपी मिलती है वो कहां पे असाइन होती है, IGW के पास। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, और ये पब्लिक आईपी क्या होती है, नेट गेटवे के इस वाली आईपी से मैप्ड रहती है, राइट। ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से रूट टेबल क्रिएट और करते हैं जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर अभी प्राइवेट IPRT रखा। फिर उसके बाद इस डेटाबेस जो भी सबनेट में, उस सबनेट को हम बाहर इंटरनेट में भेजना चाहते हैं तो उस सबनेट को हम लोग यहां पर एसोसिएट कर लेते हैं। हमने बोला भाई तू भी इंटरनेट पे जा, लेकिन IGW से मत जा, तू किससे निकल के जा, नेट गेटवे से। क्लियर, ठीक है। फिर हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो जाता है ना, ये तो ये काइंड ऑफ सेटअप जो हम लोग करते थे वो किसके थ्रू करते थे, वाया ग्राफिकली, लेकिन आज पूरा का पूरा हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू करने वाले हैं। इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हम लोग करते थे, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप लगाते थे, ये भी हम लोग लगाएंगे अभी। तो बेसिकली आज के टॉपिक का जो एजेंडा है, जो प्रोजेक्ट है, वो ये है कि जो भी आप लोग AWS के क्लासेस में ये पूरा का पूरा ग्राफिकली आपने सेटअप किया था, आज हम लोग ये टेराफॉर्म के थ्रू करेंगे पूरा का पूरा। तो ये काइंड ऑफ हम लोगों का एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्लियर। एक चीज और बता देता हूं, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कई वे हैं, राइट। अगर हम एक सिंपल वे की बात करें तो सिंपल वे में कुछ नहीं है
कि आप टेराफॉर्म की फाइल क्रिएट करें और पूरा का पूरा पैरामीटर आप एग्जैक्टली हार्ड कोड की तरह डिफाइन करते हुए चलें, वैल्यू सही होनी चाहिए, बस हो गया, की वैल्यू पेयर का ध्यान रखना। दूसरा वे ये होता है कि अगर आप सिंपल वे पे करेंगे तो आपकी जो टेराफॉर्म की जो फाइल होगी कोडिंग की वो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो इंडस्ट्री में इस फाइल को ज्यादा लंबी ना करने के लिए, इस फाइल को शॉर्ट फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग वेरिएबल और लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं ना ही वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा ना ही लूप का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, इन दोनों को कॉन्सेप्ट को मैं नहीं लाऊंगा इस प्रोजेक्ट में। मैं अभी आप लोगों के सामने सिंपल वे से करके दिखाऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़े, राइट। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी, जब आप सिंपल वे में कर लेंगे, तब हम लोग बाद में वेरिएबल का टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर लूप का टॉपिक कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वेरिएबल और लूप को भी यूज केस में लाके दोबारा से इस प्रोजेक्ट को वापस से दोहरा लेंगे। लेकिन अभी सिंपल वे में करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जाए। अगर हमने डायरेक्टली वेरिएबल को अगर मैं बीच में ला दूं, लूप को बीच में ला दूं और मैं वो चीजें वहां पर पैरामीटर आपको समझा दूं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हॉचपॉच हो जाएगा। तो अगर आप पहले सिंपल वे में कर लें विदाउट वेरिएबल विदाउट लूप कॉन्सेप्ट को यूज किए बिना आप अगर ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी हो जाएगी। फिर हम लोग जब वेरिएबल का टॉपिक पढ़ लेंगे एकदम ग्राउंड लेवल से, लूप को एकदम ग्राउंड लेवल से पढ़ लेंगे, फिर हम इन्हें भी बीच में यूज केस लाकर हम लोग ये सेटअप बाद में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों। सॉरी, तो इसके लिए टेराफॉर्म सर्वर जो है मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, देख सकते हैं आप लोग, और ये कंसोल भी मैंने यहाँ पे ले रखा है, क्लियर। तो मैं एक सेपरेट फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर VPC प्रोजेक्ट्स नाम का, राइट। चलो तो इसके अंदर चला मैं और फाइल बना लेता हूं vpc.tf नाम का। अब आप लोगों को याद होगा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहां पर एक्सेस की सीक्रेट की, तो वो चीज मैं पुरानी वाली फाइल से उठा के लेके आता हूं। ये यहां पे मेरे पास पड़ा हुआ है पहले वाली जो फाइल हमने बनाई थी, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, एक एक बारीक बारीक से बारीक चीजें आप लोग यहां पे देखना। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और वापस चलता हूं अपने उसी फोल्डर में VPC प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। तो VPC, चलो प्रोवाइडर AWS रीजन US ईस्ट 1 मतलब नॉर्दर्न वर्जीनिया में मैं सेटअप लगाऊंगा। ये एक्सेस की, ये सीक्रेट की, ठीक है ना, आप लोगों को पता है एक्सेस की सीक्रेट की कहां से लेके आते हैं। चलो तो कोई भी कोड याद नहीं करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ डॉक से उठाना है, ठीक है। नीचे आ जाइए, सबसे पहले क्या बनाना है, वीपीसी। वीपीसी बनाने का सेक्शन कहां मिलेगा, आ जाइए यहां पे डॉक पे, सबसे नीचे आइए, ये रहा वीपीसी, ठीक है, यहां पे आइए VPC, नीचे आइए, नीचे आइए आप लोग यहाँ पे, ये VPC, AWS VPC, तो ये रहा VPC, राइट। चुपचाप से इसे यहाँ से कॉपी करिए,
रिसोर्स, AWS VPC, VPC नेम क्या रखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर आगे रेफरेंस पास करने के लिए। तो मैं यहाँ पर नाम रख लिया क्लाउड नॉलेज, ठीक है, ये नाम रख लिया VPC। CIDR ब्लॉक, इंस्टेंस टेनेंसी डिफॉल्ट है। टैग क्या रखना चाहते हैं, तो टैग मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या क्लाउड नॉलेज, ठीक हो गया VPC, परफेक्ट। चलो अब हम इसके नीचे सबनेट बनाना चाहते हैं, तो सबनेट का पैरामीटर कहां से लेके आएंगे, सबनेट का पैरामीटर ये देखो AWS सबनेट आ गया, यहां से उठा लो, ये लो, तो ये पैरामीटर यहां से कॉपी करो, यहां पेस्ट करो। ये क्या बोल रहा है, अगला रिसोर्स क्रिएट हो रहा है AWS सबनेट। सबनेट का नाम यहां पे क्या रख रहा था, देखो मेन है राइट, तो मैंने बोला कि भाई एक काम कर, ये इसको हम लोग ऐसा पब्लिक सबनेट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सबनेट किस VPC के अंदर बनेगा, तो यहां पर देखो AWS VPC.main.id है ना, तो यहां मेन की जगह मैं क्या लिख देता हूं क्लाउड नॉलेज VPC है ना, तो ऊपर रेफरेंस पास कर देते हैं कि भाई ऊपर जो VPC बन रही है उसके अंदर ही सबनेट बनेगा क्लाउड नॉलेज VPC। CIDR ब्लॉक ये हो गया। इस सबनेट का टैग क्या होगा, तो मैंने यहां पे बोल दिया भाई पब्लिक हाइफन सबनेट, क्लियर, एक सबनेट हो गया। ऐसे मैंने बोला कि दूसरा सबनेट भी बनना चाहिए, दो सबनेट बनाना ना, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो इसी पैरामीटर को कॉपी कर लो आप, कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है, तो यहां पे कर्सर रखा, स्किप मोड में गया, 8YY नीचे आया, पेस्ट कर दिया। तो अगला सबनेट मैंने बोला कि अगला पब्लिक नहीं है, क्या है, प्राइवेट है, ठीक हो गया। और इस सबनेट को बीसी वीपीसी में बनाओ, लेकिन इसका CIDR ब्लॉक डिफरेंट रख देते हैं, इसका टैग क्या होगा, प्राइवेट। चलो तो क्या क्या कर लिया हमने बता देता हूं, ये VPC बन रहा है, क्या नाम है क्लाउड नॉलेज VPC, ठीक है, इसका CIDR ब्लॉक ये है, टैग ये रखा, ये सबमिट बना रहे हैं, नेम क्या है पब्लिक सबमिट, सबमिट किसके अंदर बनेगा, इस VPC के अंदर, क्या हमने बोला AWS VPC यहां से उठाया डॉट क्लाउड नॉलेज, क्लाउड नॉलेज VPC यहां से उठाया डॉट ID है ना, इसका CIDR ब्लॉक ये हो गया, टैग ये हो गया। अगला सबनेट ये बनाया प्राइवेट सबनेट, इसको भी बोला ऊपर जो VPC बना उसके अंदर बन, तो हमने क्या बोला AWS_VPC.cloudknowledges_VPC.id, परफेक्ट। चलो तो ये VPC हो गया, दो सबनेट हो गए है ना, अभी इसको रन करके देखते हैं फिर आगे चलेंगे है ना, क्योंकि फाइल तो अपडेट होती रहती है रिफ्रेश। चलो तो क्या करना है, पहले टेराफॉर्म इनिट चलाओ पहले यहां पर, डन। अब क्या करना है हमें, टेराफॉर्म प्लान, चलो अब क्या करें, टेराफॉर्म अप्लाई, यस यस करने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में बैठा हूं, यहां पर रिफ्रेश करो, वीपीसी सेक्शन में लेके चलता हूं आपको पहले मैं, देखो कोई VPC नहीं मेरे पास, यहां पर एक है डिफॉल्ट वाला, और मेरे पास जो सबनेट है वो डिफॉल्ट वाले हैं, अभी कोई पब्लिक प्राइवेट कोई सबनेट नहीं है, है ना। अब यस करता हूं, डन। चलो अब वेरीफाई करके दिखाता हूं आपको, रिफ्रेश करो, देखो बन गया क्लाउड नॉलेज VPC, सबनेट में आ जाओ,
पब्लिक एंड प्राइवेट, परफेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं, फाइल को ओपन करो, क्लियर। अब हमने बोला कि आप क्रिएट कर लो सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो नीचे आ जाओ, ये पूरा सेक्शन यहां से कॉपी करो। अब हमने बोला भाई एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, पेस्ट। अब समझो एक रिसोर्स बन रहा है, नाम AWS सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या है, हम अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं भाई, क्लाउड नॉलेज SG, ठीक है, ये नेम है, इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, नॉलेज SG। डिस्क्रिप्शन छोड़ दो। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप कौन से VPC में बनेगा, तो हमने क्या बताना है, ऊपर जो VPC बना उसी के अंदर बनाइए। तो रेफरेंस कैसे पास करेंगे, AWS_VPC.cloud_knowledge_vpc.id, है ना, ये मेन इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो डिफॉल्ट वाले को लेके चल रहा है एक प्रकार से, क्लाउड नॉलेज VPC, है ना, एक बार मैच कर लेते हैं ऊपर जाके, क्लाउड नॉलेज VPC यही है, परफेक्ट। देख लो ये देखो, परफेक्ट, चलो ठीक हो गया। अब ये इनबाउंड रूल है ना, तो डिस्क्रिप्शन फ्रॉम पोर्ट 443, नहीं मैंने बोला 22 पोर्ट, ठीक हो गया, 22 से कहां तक का पोर्ट, तो ये भी मैंने बोला 22। प्रोटोकॉल TCP। अब CIDR ब्लॉक है ना, तो ये VPC के नेटवर्क को अलाउ कर रहा है, तो मैंने बोला यार VPC नेटवर्क नहीं, तू एक काम कर ऑल रख सिक्योरिटी ग्रुप में, तो मैंने ऑल दे दिया, ये लो इसको इनबाउंड ट्रैफिक, आप अपनी नीड के हिसाब से करें। अब ये हो गया आउटबाउंड का, ठीक है ना। अब 00 का मतलब पता क्या होता है, ऑल कर दिया आपने, है ना, और ये -1 का मतलब वो होता है प्रोटोकॉल ऑल, है ना, जैसे यहां पे प्रोटोकॉल आपने सेपरेट TCP लिख रखा है, अगर ऑल प्रोटोकॉल रखना है तो आप -1 कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहां पर तो CIDR ब्लॉक ऑल है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सिक्योरिटी ग्रुप का टैग ठीक कर लेते हैं हम लोग, क्लाउड नॉलेज SG टैग, परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया सिक्योरिटी ग्रुप, डन हो गया। चलो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। अब टेराफॉर्म अप्लाई, तो जो चीज बन चुकी वो नहीं बनेगा, जो एक्स्ट्रा ऐड किया हमने वो क्रिएट होगा। देख सकते हैं बाकी चीजें रिफ्रेश हो रही हैं केवल। यस कर दो, डन। तो वेरीफाई कर लेते हैं पहले हम लोग, सिक्योरिटी ग्रुप बना या नहीं बना। यहां से रिफ्रेश करते हैं,
यहाँ से देख लेते हैं हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप, तीन सिक्योरिटी ग्रुप दिखा रहा है ऑलरेडी। अब ये अच्छा यहाँ पे हाइड है, ये देखो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है। और इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, तो इनबाउंड रूल में देख लो राइट, आउटबाउंड रूल में देख लो आप, परफेक्ट। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर, तो डायग्राम में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ईवीपीसी हो गया, सबनेट हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप भी हो गया। अब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक बार आईजीडब्ल्यू, है ना, फिर हम लोग रूट टेबल क्रिएट करेंगे। तो आईजीडब्ल्यू क्रिएट करने के लिए पैरामीटर कहां से लेके आए, डॉक पे चले, इंटरनेट गेटवे, यहां पे आ जाए आप लोग, इंटरनेट गेटवे, ये नेट गेटवे हुआ, ये रहा इंटरनेट गेटवे राइट। ये उठा ले यहां से आईजीडब्ल्यू क्रिएट करने का पैरामीटर, कॉपी यहां पर पेस्ट। तो क्या बोल रहा है ये, रिसोर्स राइट, ए डब्ल्यू से इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे का नाम इसने जी डब्ल्यू रखा है, तो मैं अपने हिसाब से रख देता हूं क्लाउड नॉलेज हाइफन IGW। अब ये इंटरनेट गेटवे कहां पे बनेगा, किस वीपीसी में, उस वीपीसी की आईडी, तो हमने क्या बताना है, ऊपर जो वीपीसी बना है उस वीपीसी के अंदर इसे बनाई है, क्लाउड नॉलेज वीपीसी, परफेक्ट। अभी टैग बोल रहा है, तो टैग हम लोग नेम के हिसाब से ही रख देते हैं, क्लाउड नॉलेज हाइफन IGW, परफेक्ट। चलो रन करके देखते हैं, देखते हैं भाई IGW क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, एक एक करके करें तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो पहले मैं दिखाता हूं IGW अभी नहीं है, जब रन करूंगा तब क्रिएट हो जाएगा। इंटरनेट गेटवे यहां पे आ जाए, क्लिक कर ले, देख सकते हैं अभी सिर्फ एक ही इंटरनेट गेटवे है जो डिफॉल्ट वीपीसी के साथ अटैच है। मैं इसे रन करता हूं, टेराफॉर्म अप्लाई, यस कर दो, डन, वेरीफाई कर लेते हैं, रिफ्रेश, देख सकते हो क्रिएट। चलो अब क्रिएट करते हैं रूट टेबल, है ना, रूट टेबल में आ जाओ। तो रूट टेबल का पैरामीटर कहां से मिलेगा, डॉक से ही लेना है हमें सारा कुछ। फाइल ओपन कर लेते हैं नीचे पे, रूट टेबल, ये रहा रूट टेबल, ठीक है। तो ये रूट टेबल का पैरामीटर यहां से कॉपी करो पूरा का पूरा, समझा देता हूं हमारे नीट का क्या है यहां पर इसके अंदर। देखो ये है ना AWS रूट टेबल, रूट टेबल का नाम क्या रखना चाहते हो, तो रूट टेबल का नाम यहां पर मैं रख देता हूं अभी पब्लिक हाइफन RT। रूट टेबल कौन से वीपीसी के अंदर बनेगा वो यहां पे आप डिफाइन कर दें, है ना। अब तो आप सब लोगों को पता हो गया कैसे मेंशन करना है क्लाउड नॉलेज वीपीसी, जो ऊपर वीपीसी बना है। अब रूट टेबल के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि इसे जाना कहां है ना। तो मैंने बोला इसे भेजना कहां है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड एरिया में, ये लो, निकलेगा किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, AWS इंटरनेट गेटवे .main.id। इसका मतलब क्या है, ऊपर जो आपने इंटरनेट गेटवे बनाया है AWS इंटरनेट गेटवे, ये तो पूरा सेम रहेगा, क्या नाम रखा है क्लाउड नॉलेज हाइफन IGW, वो मेन की जगह पे आ जाएगा, क्लियर। लिख देता हूं यहां पर क्लाउड नॉलेज हाइफन IGW, परफेक्ट। अब ये सेकंड वाला है कि अगर आप आपको आपका कोई IPv6 एड्रेस पे भी भेजना है, तो मैंने बोला अभी मेरे पास IPv6 है नहीं, तो ये वाला लाइन मैं हटा देता हूं, अगर है तो आप मेंशन कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि एक रूट टेबल बनाया, उसमें ये चीज मैंने डिफाइन कर दी,
कि जाना कहां पे है मुझे, इस एड्रेस पे जाना है, निकलना कहां से है, इस आईजीडब्ल्यू से, राइट। अभी सबनेट एसोसिएट नहीं किया, सबनेट अभी एसोसिएट करने का पैरामीटर डिफरेंट है। यहां पे टैग देता हूं अभी मैं, क्लाउड सॉरी पब्लिक हाइफन आरटी। अगर किसी को समझ में नहीं आया इसका मतलब समझा देता हूं। देखो क्या है, आप लोग रूट टेबल क्रिएट करते थे ना यहां पे आके, रूट टेबल इस तरीके से क्रिएट रूट टेबल, मैंने यहां पे रूट टेबल का नाम रख दिया जैसे पब्लिक हाइफन आरटी, कौन से वीपीसी में बनना है इस वीपीसी के अंदर, ऐसे क्रिएट कर दिया मैंने, तो ये रूट टेबल आपका बन जाता था। अब आप लोग क्या करते थे, यहां पे आते थे, रूट पे आते थे और एडिट पे करते थे, आपने बोला यहां जाना है इस एड्रेस से, इंटरनेट गेटवे इस एड्रेस से निकाल दो, यही करते थे ना बस। ये जो आपने डिफाइन किया है ना, इसका मतलब यही है कि ये ऐड कर दिया, इससे निकाल दो बस। सबनेट अभी एसोसिएट करेंगे, है ना। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपको समझाने के लिए बनाया था, ये लो। चलो अब सबनेट एसोसिएट करने का पैरामीटर कहां है, रूट टेबल एसोसिएशन में आ जाओ। तो रूट टेबल एसोसिएशन में क्लिक किया, ये रहा पैरामीटर, यहां से उठा लो, ठीक है। मैंने बोला दोनों काम एक ही साथ कर लेंगे हम लोग, ये लो। क्या बोल रहा है, रिसोर्स AWS रूट टेबल एसोसिएशन, नेम क्या रखना है वो आप रख लो, यहां पर ए है, मैं यहां पे पब्लिक हाइफन एसओ रख दिया, ठीक है। कौन से सबनेट को ऐड करना है पूछ रहा है ये, कौन से सबनेट को ऐड करना है, सबनेट कौन सा एसोसिएट कराना है, तो पब्लिक सबनेट एसोसिएट कराना है, तो AWS सबनेट डॉट सबनेट का नाम, तो ऊपर सबनेट कौन, सबनेट का नाम क्या रखा आपने, पब्लिक हाइफन सबनेट, है ना। तो यहां पे मुझे पब्लिक सबनेट एसोसिएट कराना है, पब्लिक हाइफन सबनेट, परफेक्ट। कौन से रूट टेबल में एसोसिएशन कराना है, एसोसिएशन कराना वो भी यहां पे बताना पड़ेगा, रूट टेबल की आईडी। तो रूट टेबल तो ऊपर ही बनाइए, देखो AWS रूट टेबल, रूट टेबल का नाम ही है, तो AWS रूट टेबल डॉट बार, ये अपने हिसाब से नाम लिया है, मैं अपना नाम दे देता हूं जो मैंने ऊपर बनाया है, परफेक्ट, पब्लिक हाइफन आरटी, ठीक हो गया। चलो अब रन करके दिखाता हूं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। टेराफॉर्म अप्लाई, यस कर दिया, डन। चलो वेरीफाई करा देता हूँ, रिफ्रेश, क्या हुआ, देखो देख सकते हो ऐड हो गया ये, और अगर यहाँ पे एडिट करो, देखो ये ऐड हो चुका है अपने आप, और सबमिट एसोसिएशन में जाओ, देखो सबमिट भी एसोसिएट हो गया, राइट। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग बोलते हैं कि तू क्या कर भाई, इंस्टेंस क्रिएट कर, क्या कर, अब हमने बोला है इंस्टेंस क्रिएट कर, है ना। तो इंस्टेंस क्रिएट करने का पैरामीटर आप लोगों को पता होगा, लेकिन इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं उसके साथ की भी अटैच करना चाहते हैं, तो पहले की बना लेते हैं। तो की कैसे बनाते हैं, सारी सारा कुछ मैंने आप लोगों को पहले से सिखा चुका हूं, है ना। की बनाने का डेटा कहां से निकालेंगे, यहां आ जाओ, इशू टू के पैरामीटर में आ जाओ, इशू टू में आ जाओ, इसी टू इंस्टेंस में आ जाओ, ये इंस्टेंस में, है ना। ये नीचे की पेयर है, यहां से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहीं से ले लेता हूं मैं ये। तो चुपचाप से ये चीज मैंने यहां से कॉपी किया और पेस्ट, तो
तो रिसोर्स AWS की पेयर, की पेयर का नाम क्या रखना चाहते हो? नाम यहां पे मैं दे देता हूं, तो मैंने नाम रख दिया यहां पर क्लाउड नॉलेज की, क्लाउड नॉलेज की, राइट। अभी की मैंने बनाया नहीं है, तो की बना लेते हैं। तो एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूं यहां पर मैं, तो की कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, SSH हाइफन की जेन, और की जेन का नाम यहां पे मैं रख देता हूं क्लाउड नॉलेज की, परफेक्ट, राइट। तो ये की बन गया, देखो मेरा ये क्लाउड नॉलेज की। तो यहां पर भी मैं नाम रख देता हूं भाई, की का नाम मेरा क्या है, क्लाउड नॉलेज की। लेकिन जो की हमने जनरेट किया, वो की यहां पे मुझे मेंशन भी करना है ना, तो ये मैं पहले यहां से डिलीट कर लेता हूं। चलो, तो यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, क्लाउड नॉलेज की पा, यहां से आप पूरी की पूरी इसे कॉपी कर लीजिए, परफेक्ट, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, हो गया, ठीक हो गया। चलो, तो ये की बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इंस्टेंस क्रिएट करने का पैरामीटर यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इंस्टेंस क्रिएट करने का पैरामीटर, इंस्टेंस में आ जाए, यहां से उठा लें आप लोग, सिंपल सा, ठीक हो गया। चलो, अब क्या होता है, AWS इंस्टेंस, इंस्टेंस का नाम क्या रखना चाहते हो? तो मैंने बोला यार नाम रख दो क्लाउड नॉलेज हाइफन इंस्टेंस, सॉरी, ठीक हो गया। अब EMI ID है ना, तो EMI ID हम लोग वहां से उठा लेते हैं फिलहाल अभी, ठीक है, नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन से EMI ID उठा लेते हैं। कैसे उठाते हैं, EC2 में चलो, तो लॉन्च इंस्टेंस किया हमने यहां पर, लॉन्च ये लो, ठीक हो गया। इंस्टेंस टाइप T3 नहीं रखते, T2 डॉट माइक्रो, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं कि ये इंस्टेंस बनेगा कहां, किस सबनेट के अंदर। तो हमने यहां पे बताना है कि इंस्टेंस बनेगा पब्लिक सबनेट में, है ना। तो यहां पर आप देखो, इंस्टेंस को अगर किसी सबनेट में डिफाइन करना है, तो यहां पर आपके सामने पैरामीटर है, यहां पे आ जाएगा आपको सबनेट, सबनेट ये देखो सबनेट है ना, ऐसे ये डिफाइन कर दो, और सबनेट आईडी, तो यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं सबनेट, लेकिन कौन से सबनेट पे बनाना है, सबनेट की आईडी, ऊपर हमने सबनेट बनाया ना, उसकी आईडी यहां पे मेंशन कर देंगे। तो ऊपर चलो, ये AWS_subnet.publics-subnet.id आ जाएगा ना, चुपचाप इसको यहां से कॉपी कर लो, फिर एडिट कर लेंगे हम लोग, सॉरी वो कॉपी किया तो ऊपर भी कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, तो मैं टाइप ही कर देता हूं, AWS subnet dot public hyphen subnet dot id, perfect। चलो, अब हमने क्या बोलना है कि ये इंस्टेंस में एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है। जो कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप, जो हमने ऊपर बनाया है,
तो सिक्योरिटी ग्रुप अगर डिफाइन करना है तो उसका पैरामीटर क्या होता है, वो भी ये देखो क्या ये लिखा है, वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। चुपचाप यहां से इसे कॉपी कर ले, ये लो अब सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी यहां पे डिफाइन करो, राइट। तो ऊपर आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है उसका नाम क्या है, ऊपर चल के देख लें, AWS सिक्योरिटी ग्रुप डॉट क्लाउड नॉलेज SG.ID, यही बनेगा, नीचे आके मेंशन कर दो, है ना, AWS सिक्योरिटी ग्रुप डॉट क्लाउड नॉलेज SG.ID। लेकिन आप लोगों को याद होगा जब हम सिक्योरिटी ग्रुप लास्ट वाले वीडियो में हम डिफाइन कर रहे थे तो ये स्ट्रिंग में लेता है ना, तो स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आगे एरर दे देगा, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा भी है, ये बोलता भी है हमसे। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और डिफाइन कर देते हैं कि इस इंस्टेंस में की पेयर हमारा वाला अटैच होना चाहिए जिससे हम इसे एक्सेस भी कर सकें, तो उसका पैरामीटर क्या होता है, की नेम। अब की का नाम क्या है, ये रहा भाई क्लाउड नॉलेज की, डिफाइन कर देते हैं क्लाउड नॉलेज की, परफेक्ट। चलो ये हो गया हमारा छोटा सा एक एग्जांपल, अब रन करते हैं, अभी और भी चीजें इसमें बची हैं जो आगे करेंगे, तो इसे रन करते हैं, देखते हैं इंस्टेंस बनाता है कि नहीं बनाता और क्या हम उस इंस्टेंस को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इंस्टेंस का टैग भी हम लोग यहां पर हेलो वर्ड नहीं रखते, अपने हिसाब से रखेंगे क्लाउड नॉलेज इंडिया रखेंगे। चलो फाइल को सेव करके बाहर आओ, टेराफॉर्म अप्लाई, क्रिएट होने दो इसे, देख सकते हो। हमने इसमें एक मिस्टेक कर दिया जो मुझे अभी याद आई, पता है क्या, हमने इंस्टेंस को ना पब्लिक आईपीआई असाइन नहीं किया, तो हम अभी इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दिखा देता हूं, इंस्टेंस तो बन गया होगा, कोई नहीं, हम दोबारा फाइल को एडिट करके रन कर सकते हैं। तो इंस्टेंस बन गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, लेकिन इंस्टेंस को पब्लिक आईपी असाइन नहीं हुई है अभी, देखो, तो कोई नहीं, देखो प्राइवेट आईपी असाइन हो चुकी है, ये कॉपी कर लो आप डायग्राम में, चलो तो आप ये प्राइवेट आईपी मिटा दो यहाँ से और जो मिली है वो असाइन कर दो, ये लो ठीक हो गया, पब्लिक आईपी असाइन नहीं है तो पैरामीटर मिस्टेक हो गया था, हमने डिफाइन नहीं किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा आप एडिट कर दें, रिफ्रेश हो जाता है वो, ठीक है, कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ या नीचे ही मेंशन कर देता हूँ, ये लो पब्लिक आईपी का पैरामीटर कहाँ था, ये देखो EIP में आ जाओ, कुछ नहीं करना, ये यहाँ से कॉपी कर लो, ये लो रिसोर्स AWS EIP, EIP का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं EIP का नाम रख दिया क्लाउड नॉलेज आईपी, कौन से इंस्टेंस में अटैच करवानी है, देखो AWS इंस्टेंस डॉट इंस्टेंस आईडी आएगी, तो AWS इंस्टेंस ये सेम है, ये चेंज कर दो, AWS क्लाउड नॉलेज -instance वो यहां पे आ जाएगा, यही बस खेल है और कुछ नहीं है पूरे टेराफॉर्म में,
बस इसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हाइफन इंस्टेंस, ठीक है, वीपीसी ट्रू। चलो तो अब क्या होगा, ये चीजें भी ऐड हो जाएंगी। जो ऑलरेडी क्रिएटेड उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो रिफ्रेश कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, रिफ्रेश रिफ्रेश बना चुका है इसको पहले से, रिफ्रेश रिफ्रेश देख सकते हो। ठीक है, यस कर देते हैं, तो क्रिएटिंग आईपी बन गया। रिफ्रेश, यहां आ जाओ, रिफ्रेश करो, पब्लिक आईपी आ जाएंगी। देखो आ गई पब्लिक आईपी, अब मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं, है ना। कैसे, पब्लिक आईपी कॉपी करो, यहां चलो, ये डुप्लीकेट टैब ओपन किया था ना मैंने, है ना। एक्सेस कैसे करोगे, SSH माइनस आई, की तो लगानी पड़ेगी ना, और की यहीं पे पड़ी हुई है, इसी मशीन में बनाई थी हमने, तो प्राइवेट की क्लाउड नॉलेज की दे दिया मैंने, EC2 हाइफन यूजर एट द रेट, ये लो एक्सेस भी हो गई, ये इंस्टॉल देख सकते हो गई एक्सेस, परफेक्ट। चलो तो ये मेरे पास एक्सेस हो गया, तो इसका मतलब मैंने ये वाला पोर्शन डन कर लिया है ना। अब ये वाले पोर्शन में आ जाओ भाई, नेट गेटवे क्रिएट करते हैं, इससे भी हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इस पे नेट चलाने की कोशिश करता हूं, तो इसमें नेट भी चलना चाहिए, परफेक्ट। ठीक है, कैसे पता लगेगा नेट चल रहा है नहीं चल रहा, या हम इंस्टॉल कुछ इंस्टॉल करके देख लो, ई लिंक्स, तो देखो नेट भी चल रहा है, परफेक्ट। तो ये वाला मेरा डन हो गया। अब ये वाले पे आते हैं, है ना, अब ये वाला काम करते हैं भाई, ये इंस्टेंस तो बन गया, अब ये भी बनना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, देखते जाइए बस, ये कॉपी कर लीजिए दो बार, एक है ना, इस लाइन को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैंने बोला भाई 11 लाइन कॉपी किया, इसी के नीचे पेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने बोला इस इंस्टांस का जो नाम है इसका नाम रखो डीबी इंस्टांस, है ना, हालांकि ऊपर वाले का वेब रखना रख देता मैं, तो मैंने रखा डीबी इंस्टांस। EMID सेम रखते हैं, इंस्टेंस टाइप सेम, लेकिन सबनेट बदल देते हैं, इसे पब्लिक सबनेट पे नहीं बनाना, इसे बनाना है हमें प्राइवेट पे। सिक्योरिटी ग्रुप वही रखते हैं, की नेम भी वही रखते हैं, परफेक्ट। पब्लिक आईपी से नहीं देते, और इसका टैग भी हम लोग यहां पर चेंज कर देते हैं, क्या रखते हैं, डीबी इंस्टांस, डेटाबेस इंस्टांस, ये लो सेव करके बाहर, और आप चलाओ टेराफॉर्म अप्लाई। यस किया, डीबी इंस्टेंस क्रिएट हो रहा, देख सकते हैं आप लोग, डन। चलो रेफरेंस करो,
दो इंस्टेंस आ चुका है, देखो डीबी इंस्टेंस आ गया। तो डीबी इंस्टेंस में पब्लिक आईपी हमने दिया ही नहीं है, डीबी इंस्टेंस की प्राइवेट आईपी ये रही। तो अगर मैं यहां पे डायग्राम में चलूं और ये डीबी इंस्टेंस की प्राइवेट आईपी क्या है, ये है, ठीक है। तो आपने देखा वेब इंस्टेंस का पब्लिक आईपी क्या था, वेब इंस्टेंस का पब्लिक आईपी था ये, जो कहां पे मिला था, आईजीडब्ल्यू में, ठीक है, जो मैप था इसके साथ, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने, मेरे पास एक ऑलरेडी AWS में इंस्टेंस बना हुआ था जिसपे इंटरनेट चल रहा था, और वहां से बैठ के मैंने क्या किया, इस आईपी को हिट किया, तो मैं यहां तक आ गया था, है ना। इसमें बैठ के इंटरनेट चलाया तो ये बाहर भी निकल गया इंटरनेट में, ठीक है। अभी मेरा डेटाबेस इंस्टेंस बना जिसमें पब्लिक आईपी है ही नहीं, तो अब ऐसा कंसिडर करें कि ये जो मशीन है ये बाहर की मशीन है, ठीक है ना, ये जो मशीन है बाहर की, तो बाहर से बैठ के तो मैं अभी डेटाबेस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर बोले तो इंटरनेट है, इंटरनेट से अगर मुझे AWS में किसी मशीन में जाना तो एक इंटरनेट बेस आईपी चाहिए, जैसे ये है, इसको हिट करता तो ये यहां पे ट्रांसलेट कर देता था, है ना। लेकिन डेटाबेस में तो पब्लिक आईपी मैंने ऐसा ही नहीं किया, प्राइवेट ही है। तो एक काम कर सकते हो, आपकी वेब के अंदर से बैठ के आप स्विच कर सकते हो, है ना, ये तो मैं कर ही लूंगा। तो अभी मैं किसके कंसोल में बैठा हूं, वेब के कंसोल में, देखो है ना, वेब का कंसोल मैंने लिया था SSH, वही भी बैठा हूं। तो अगर मैं यहां से बैठ के अगर इस डेटाबेस में जाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल चला जाऊंगा। कैसे जाऊंगा दिखा देता हूं, बस मुझे SSH-key चाहिए, लेकिन की यहां पर अवेलेबल नहीं है। की कहां पर है, की एग्जिट किया, तो एक बार और एग्जिट किया तो की इस मशीन में है, राइट, ये। और ये मशीन कौन सी आपको पता है, ये मशीन वो है टेराफॉर्म सर्वर, टेराफॉर्म सर्वर पे मैंने की बनाया था, ये की है। तो मैं काम करता हूं, यहां पर सिंपल सा मैं कैट करता हूं क्लाउड नॉलेज की को, है ना, और ये पूरा पैरामीटर यहां से कॉपी किया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, दोबारा से मैं वेब सर्वर पे जाता हूं, ये पूरी लाइन यहीं पे कॉपी हो गई, ये लो, दोबारा से मैं वेब सर्वर पे गया। यहां पर एक रूट पे गया और यहां पर एक सेपरेट फाइल बनाता हूं प्राइवेट की नाम से, जो वहां पे प्राइवेट की हमने बनाया, जो हमने की बनाया था प्राइवेट की का जो नाम था, उस नाम का यहां पर एक फाइल बनाता हूं, उस फाइल के अंदर पूरा कंटेंट पेस्ट कर दूंगा, तो एक की हो गई पूरा एक प्रकार से क्लाउड नॉलेज की, ये लो, है ना। या तो मैं वहां से कॉपी करके ले आऊं तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से यहां पे की को लेके आ गया। अब करता हूं SSH-i की EC2-user, कहां चलना है हमें, डेटाबेस पे चलना है। तो डेटाबेस की प्राइवेट आईपी क्या है, ये लो 10.0.2.70, ये लो भाई, डेटाबेस पे नहीं आने दे रहा, क्यों नहीं आने दे रहा, कह रहा परमिशन का इशू है, कोई नहीं, की को परमिशन हम लोग परफेक्ट दे देते हैं, अब आने देगा ये सारी चीज आप लोगों को पता है मैंने क्या कर रहा हूं, देखो आ गया मैं। लेकिन आपने एक जुगाड़ के तौर पे वेब से डेटाबेस पे आ गए, क्योंकि एक VPC के अंदर जब दोनों सबनेट होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, तो मैं तो आ चुका, लेकिन डेटाबेस में अभी इंटरनेट नहीं चल रहा होगा और मैं डेटाबेस में इंटरनेट देना चाहता हूं। तो अगर मैं यहां पे इंटरनेट चलाने की कोशिश करूं डेटाबेस पे आके कि भाई इस पे इंटरनेट चल जाए, या हम इंस्टॉल ईलिंक, नहीं चलेगा, देख लो ऐसे लोडिंग में रहेगा ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसके सबनेट को भी इस रूट टेबल में एसोसिएट करा के IGW से बाहर निकाल दूं, ऐसा करना नहीं चाहता मैं, अलग अलग रखना चाहता हूं, इसलिए तो दो सबनेट बनाया। तो मैं ऐसा करूंगा, एक अलग से नेट गेटवे बनाता हूं और इसको नेट गेटवे के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है।
ये पूरा अंदर का जो लॉजिक कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा हमने AWS की क्लासेस में VPC के टॉपिक में कवर कर रखा है। सिर्फ मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं बंदों को अच्छे से समझ लग रहा होगा जो बंदे मेरा VPC का वीडियो पहले से देख रखा है और लैब भी कर रखे हैं। तो देखो नेट नहीं चला, तो क्या करते हैं, चलते हैं हम लोग वहीं पे दोबारा से, और हमने बोलना है भाई नेट गेटवे भी बनाओ। चलो अब नेट गेटवे बनाने का पैरामीटर कहां से लाओगे, बड़ा सिंपल है। आ जाओ भाई नेट गेटवे नेट गेटवे, ये रहा AWS नेट गेटवे। यहां से इसे उठाओ, ये लो, ठीक हो गया। चलो रिसोर्स क्या है, AWS नेट गेटवे। नेट गेटवे का नाम क्या रखना चाहते हो, क्लाउड नॉलेज हाइफन नेट, ठीक है। एलोकेशन आईडी, तो भाई नेट गेटवे में एक पब्लिक आईपी एसोसिएट करनी पड़ती है, आप लोगों को याद होगा, इसका मतलब ऊपर एक पब्लिक आईपी भी मुझे बनानी पड़ेगी, है ना। तो यही वाला पैरामीटर उठा लेता हूं मैं पब्लिक आईपी क्रिएट करने का, ये लो। तो मैंने बोला एक पब्लिक आईपी बनाओ, जिसका पब्लिक आईपी का नाम क्या रखना चाहिए, क्लाउड नॉलेज नेट आईपी। लेकिन इस पब्लिक आईपी को मुझे इंस्टांस में अटैच नहीं करना, तो ये लाइन ही मत मेंशन करो, तो सिर्फ एक ब्लैंक पब्लिक आईपी बनाएगा। अब इस पब्लिक आईपी को अटैच कर दो यहाँ पर एलोकेशन, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी की आईडी दे दो, जैसे AWS EIP आ गई, और ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये तो आप लोगों को रट गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लाउड नॉलेज हाइफन नेट, ये लो। अब ये जो नेट गेटवे है, ये नेट गेटवे किसी सबनेट पे बनेगा, तो ये सबनेट यहाँ की आईडी यहाँ पे मेंशन कर दो। तो मैंने बताया था ये नेट गेटवे उस सबनेट पे बनना चाहिए जो जो सबनेट इंटरनेट के तरफ पॉइंट है, तो इस सबनेट के अंदर बनेगा, पब्लिक सबनेट के अंदर, है ना। तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा AWS सबनेट डॉट, और यहां पर पब्लिक हाइफन सबनेट डॉट आईडी। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। चल और अब हम लोग करते हैं इसे रन। तो अभी मैं अगर यहां पर चलता हूं, तो यहां पर अभी नेट गेटवे मेरा नहीं बना, VPC में चल के दिखा देता हूं। नेट गेटवे नीचे आ जाओ, नेट गेटवे देखो नहीं है। चलो रन करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई, यहां पर इसने एरर दिया एलोकेशन EIP, कुछ गलत हमने यहां पे मेंशन कर दिया लगता है। ओ नेट आईपी है ना यहां पर, नाम क्या रखा हमने, देखो EIP का NAT नेट आईपी, और यहां पर क्या है सिर्फ नेट, इसलिए एरर दे दिया उसने। अब ठीक हो गया, एक घंटा होने वाला दोस्तों इस वीडियो को रनिंग में।
नेट गेटवे क्रिएट होने में टाइम लगता है, इसलिए देख सकते हो आप लोग बोल रहा है ये क्रिएटिंग स्टिल क्रिएटिंग स्टिल क्रिएटिंग। चलो तो डन हो गया, ये वेरीफाई कराता हूँ, नेट गेटवे बन गया, पब्लिक आईपी भी आ गई और जिस सबमिट में बना उस सबमिट की प्राइवेट आईपी भी। लेकिन क्या अभी नेट चलेगा देख लेते हैं। नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा पता है? आपने नेट गेटवे तो बना दिया लेकिन एक रूट टेबल बनाकर एसोसिएट भी करना पड़ेगा ना कि सबमिट को बाहर निकालना है तो नेट गेटवे से निकालो, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। तो अभी नहीं चलेगा देख सकते हैं आप लोग। तो आ जाइए वापस उसी फाइल के अंदर और एक और रूट टेबल जनरेट करना होगा मुझे, यहाँ पर नीचे ही कर लेते हैं हम लोग। तो रूट टेबल बनाने का सिंटेक्स वापस से फिर कॉपी करना पड़ेगा हमें, एग्जिस्टिंग से भी कॉपी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फाइल के अंदर हमने एक बार मेंशन कर ही दिया है रूट टेबल ये रहा रूट टेबल, ये बहुत बड़ा सिंटेक्स हो जाएगा। हम एक काम करते हैं अंदर से उठा लेते हैं रूट टेबल का सिंटेक्स, ये लो ये लो, कॉपी किया तो ये पेस्ट भी हो गया। इसी में एडिट मार लेते हैं ना, तो AWS रूट टेबल पब्लिक हाइफन आरटी नहीं, क्या रखना है प्राइवेट हाइफन आरटी, वीपीसी इसी वीपीसी के अंदर बनेगा है ना। और CIDR ब्लॉक यही जाना उसे भी इसी डेस्टिनेशन पॉइंट में, लेकिन निकलेगा कहां से? इंटरनेट गेटवे से नहीं निकलेगा, ये नेट गेटवे से निकलेगा। तो नेट गेटवे कहां बना है? नीचे बना है नेट गेटवे, ये रहा नेट गेटवे। तो नेट गेटवे की आईडी क्या बनेगी? aws_net_gateway.cloudknowledge.net ये बनेगा। तो ये पूरा आप यहां से अभी क्या करें कॉपी, लेकिन यहां पर भी पेस्ट हो जाता है ये, तो इसको मिटा देता हूं ऐसे ही अभी मैनुअली, ठीक हो गया। अब चलते हैं ऊपर, कहाँ पे बना है भाई ये तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। चलो तो ये बन जाएगा आपका रूट टेबल। एक और जो जिसके अंदर बता दिया अपने डेस्टिनेशन पॉइंट, यहां जाना है निकलेगा यहां से, लेकिन सबमिट भी एसोसिएट करना पड़ेगा ना डेटाबेस वाला, तो सबनेट एसोसिएशन का पैरामीटर ये रहा था, तो सबनेट एसोसिएशन का पैरामीटर यहां से कॉपी कर लो, सबनेट रूटेबल एसोसिएशन में आके ये तो छोटा सा हम इसे एडिट कर ही लेंगे, ठीक है। और यहां पर पब्लिक हाइफन आरटी इसका टैग नहीं रखते हैं, नाम प्राइवेट हाइफन आरटी, ठीक है।
और इसके नीचे आ जाओ, ये लो रिसोर्स AWS रूट टेबल, इसका नाम हम लोग रखते हैं प्राइवेट हाइफन एसओ, इसका नाम पब्लिक रखा था, कौन सा सबनेट एसोसिएट करना है प्राइवेट वाला, तो ये फू जो है इसको हटा के क्या कर दो प्राइवेट हाइफन सबनेट। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं डाला हूँ, ऊपर मैंने जो सबनेट बनाया है ना प्राइवेट सबनेट, ये लो ये मैंने मेंशन किया, ठीक है ध्यान रखना। ठीक है चलो, अब रूट टेबल आईडी, रूट टेबल जो बनाया उसकी आईडी यहाँ पे डाल दो। तो रूट टेबल क्या बनाया प्राइवेट हाइफन आरटी, तो यहाँ पर बार है तो हटा दो, क्या रख दो यहाँ पर प्राइवेट हाइफन आरटी डॉट आईडी, ठीक है चलो अब रन करते हैं। अब पता आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर आप कोई भी रिसोर्स को कहीं पे भी मेंशन कर रहे हैं, जो रिसोर्स पहले बनना चाहिए राइट उसे बाद में कर रहे हैं, जो बाद में बनना चाहिए उसे पहले कर रहे हैं, तो ये मिसमैच नहीं होता है? ऐसे कैसे पता लगेगा कि पहले इसे बनाना है फिर बाद में ये बनाना है, या पहले इस रिसोर्स को बनाना है फिर ये रिसोर्स को बनाना है, इसे कैसे पता लगेगा? तो टेराफॉर्म की एक खास बात है, वो ये चीज ऑटोमेटिक मैनेज करता है कौन सी चीजें पहले बननी चाहिए। ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट, कि जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एक टेराफॉर्म फाइल है ठीक है, जिसमें हम एक वीपीसी बना रहे हैं, लेकिन वीपीसी का जो पैरामीटर ना वो बाद में लिखा गया, सबनेट का पैरामीटर ऊपर है, तो पहले किसको बनाएगा? क्या ये ऑर्डर पे चलेगा? क्या ये ऑर्डर पे चलेगा? पहले इसको इस रिसोर्स बनाया, इस रिसोर्स को बनाएगा, फिर इस रिसोर्स को, फिर इस रिसोर्स को? नहीं, ये फाइल के ऑर्डर पे नहीं चलता है, ये ऑटोमेटिक जज करता है, टेराफॉर्म की खास बात होती है ये, वो खुद ही जजमेंट कर लेता है कि पहले उसे क्या बनाना होता है, तो कोई मतलब नहीं होता कौन से रिसोर्स को आप ऊपर लिख रहे हैं नीचे लिख रहे हैं। इसलिए तो देखिए मैंने ये वाला जो अभी रूट टेबल बनाया मैंने बीच में कहीं पे भी डाल दिया, लेकिन तब भी ये परफेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए फिर हम लोग इसे रन करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई। अब यहां पर एक गलती हुई है, बता रहा है भाई नेट गेटवे आईडी में कुछ गलती किया आपने, चेक कर लो लाइन नंबर 85 नेट गेटवे आईडी में, नेट लाइन नंबर 85, इतना बड़ा कोड हो गया ये तो पता ही नहीं था, नेट गेटवे आईडी, ओ गलती तो है ही है, ये तो हमने हटाया नहीं, सीधे कॉपी पेस्ट मार दिया था, लो अब ठीक हो गया ये। चलो यस
क्रिएट हो रहा है नेट गेटवे, इसने एरर दिया डज नॉट एग्जिस्ट, AWS नेट गेटवे आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी चेक करते हैं भाई क्या गलती हो गई, नेट गेटवे नीचे बना था ना, हाँ नेट गेटवे की आईडी ये है AWS नेट गेटवे डॉट AWS नेट गेटवे, AWS.NETGATEWAY ये है नेट गेटवे की आईडी, ये बनेगी, इससे मिटाओ पहले, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, उसने नेट गेटवे एग्जिस्ट जो आईडी मेंशन किया वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो गलती तो हमने किया है यहाँ पे, तो प्राइवेट आईपी एसोसिएशन रूट टेबल नेट गेटवे आईडी बिल्कुल गलत है जो नीचे बना हुआ है यहाँ पे मेंशन करना है ना डॉट आईडी, ये भी हटा है डॉट आएगा, ठीक हो गया अब चल जाना चाहिए, एरर भी दे रहा था, यस अभी भी इसने एरर दे दिया, द गेटवे आईडी डस नॉट एग्जिस्ट, चेक करते हैं नेट गेट, नेट गेटवे तो बना हुआ था, तो टेबल पे में इशू आ रहा है ना, ये प्राइवेट आई बना टी, अच्छा रूट टेबल बना रहा है ये लेकिन रूट डिफाइन नहीं कर पा रहा है, रूट डिफाइन करते टाइम इसे नेट गेटवे नहीं मिल पा रहा है, टेबल आईडी यहाँ पे आ गया, ये पब्लिक हाइफन आरटी ये वाला सबनेट ठीक है, ये वाले पे मैं प्रॉब्लम आ रही है, काम करते हैं हम लोग इस वाले पैरामीटर को ना कट करके नीचे लेके चलते हैं,
अभी वही है, दो दो बार पेस्ट हो जाता है। कोई नहीं, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पेस्ट करो, यहाँ पर भी पेस्ट हो गया। ऊपर से हम लोग हटा देते हैं। जहाँ पे दो बार पेस्ट हुआ है ये प्राइवेट एसोसिएशन, अब देखो यहाँ पर भी ना गेटवे आईडी दो दो बार ही पेस्ट हो गई है। AWS एक मिनट, ये दिक्कत करेगा। चेक करते हैं लाइन नंबर एरर कहाँ पे दे रहा था पहले। इसको मैं बिना इस सेव के बाहर आ गया हूँ। नेट गेटवे डज नॉट एक्सिस्ट। चलो AWS नेट गेटवे डॉट AWS नेट गेटवे आईडी। लाइन कॉपी करता हूँ, कितनी लाइन है, इसको नीचे लेके चलते हैं हम लोग ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 17 लाइन को कॉपी कर लेता हूँ मैं। 17YY यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऊपर से हटा देता हूँ फिर ना, ये पूरे 17 लाइन हटा देता हूँ। DD प्रेस करके डिलीट कर दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। ये भी हटाना पड़ेगा, सॉरी। चलो ये हट गया, अब नीचे आ जाओ। अब देखते हैं इसे, टेराफॉर्म अप्लाई। यस, और अभी भी ये एरर दे रहा है, AWS नेट गेटवे डस नॉट एग्जिस्ट। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ध्यान से इसे पढ़ते हैं हम लोग। ये बना हमारा AWS नेट गेटवे, ठीक है। ये इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। जब हम लोग ये पब्लिक रूट टेबल, प्राइवेट रूट टेबल बना रहे हैं, तब इसमें एरर दे रहा है, ये चीज़ नहीं उठा पा रहा है।
एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा के रन करो, एरर पता लगेगा। नेट गेटवे क्या हुआ? नेट गेटवे इधर आ जाओ, ये एक नेट गेटवे ऑलरेडी अवेलेबल बता रहा है। तो एक बार मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से हम लोगों से जो गलती हुई ना, वो गलती ये हुई है, कॉपी पेस्ट करते टाइम गलती हुई है। आई थिंक दो दो पैरामीटर नेट गेटवे का दो पैरामीटर पेस्ट हो गया है ना, इसलिए दो दो नेट गेटवे में यहाँ पे दिखाने लग गया है, जो पहले एक भी नहीं था। तो जब कॉपी कर रहे होंगे तो हो सकता है एक ऊपर भी बन गया होगा और एक नीचे भी आ गया होगा, तो उसे ये समझ में नहीं आ पा रहा कि कौन सा नेट गेटवे उठाऊँ। यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो डिस्ट्रॉय कर दिया हो तो सब कुछ हट जाएगा, दोबारा रन कर देंगे, क्योंकि कोड तो हमने लिख ही रखा है। तो यही गलती हो जाती है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। आप जब इंडस्ट्री में रहेंगे तो आप पहले ये सारी टेस्टिंग कर लेंगे अलग कंप्यूटर में, ऐसा नहीं है कि सीधे प्रोडक्शन में बैठ के ही आप ये खेलने लगेंगे। वहां पे तो आपको साइड प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि यही मिस्टेक होती है। अभी हमने जो मिस्टेक कर दी, देखो दो दो बन गया था ये। चलो बस दो दो बन गया था, वही गलती थी और कुछ नहीं थी। तो अब हम लोग चलते हैं और टेराफॉर्म अप्लाई, सब कुछ दोबारा से बनेगा, पता है, इंस्टेंस वगैरह सब कुछ दोबारा, मतलब दोबारा हर चीज दोबारा एक्सेस करनी पड़ जाएगी। कोई नहीं, कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा गलतियाँ आएंगी उतनी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। देखो इंस्टेंस भी चला गया था, ये सब कुछ दोबारा से बनेगा, देख सकते हो, पब्लिक प्राइवेट सब। देख सकते हो क्रिएट हो रहा सब एक एक करके। चलो ये हो गया, तो ये देखो क्लाउड नॉलेज इंस्टेंस। तो पहले अब मुझे इसे एक्सेस करना पड़ेगा, है ना, ये सब तो गायब हो गया।
सब आईपी तो गायब हो गई होगी अब, तो डुप्लीकेट SSH minus I cloud knowledge key EC2 hyphen user @ बस ये भी एरर दे रहा है परमिशन का। क्लाउड नॉलेज थोड़ी है, क्लाउड नॉलेज की है। चलो आ गया अंदर। अब इसके अंदर से चलते हैं कहाँ, डेटाबेस सर्वर पे, लेकिन यहाँ पे भी की होना चाहिए, तो फाइल बना लेते हैं क्लाउड नॉलेज की। वो फाइल यहीं से उठा लेते हैं, यही तो मशीन है ना, ये पड़ी है ना यहाँ से, कैट कर लो क्लाउड नॉलेज की, यहीं से कॉपी कर लो। अभी अब चलो पेस्ट chmod परमिशन दे देता हूँ, नहीं तो बाद में एरर तो दे ही देता है। ssh minus i ec2 hyphen user @ डेटाबेस का प्राइवेट आईपी बैक। चलो ये डेटाबेस इसका प्राइवेट आईपी, ये रहा, इस बार ये उठा लिया। चलो डेटाबेस पे भी आ गया, करना क्या था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, उसी के लिए सब कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो इंटरनेट चलेगा ही नहीं क्योंकि रूट टेबल तो अभी हमने मेंशन डिफाइन किया ही नहीं है, है ना। तो चलो भाई आते हैं वापस अपने उसी फाइल के अंदर और रूट टेबल बनाने का पैरामीटर यहीं से ले लेते हैं, डिस्टरबेंस ना हो करके एडिट कर लेंगे यहीं पे। ये लो तो AWS रूट टेबल, रूट टेबल का नाम क्या रखते हैं, प्राइवेट हाइफन RT। कौन से VPC में बनेगा ये रूट टेबल बनेगा उस VPC में जो ऊपर हमने बनाया है, जिसका नाम है क्लाउड नॉलेज VPC। परफेक्ट गेटवे। ओ आई थिंक हमने ये लास्ट टाइम ये भी मेंशन करना भूल गए थे। अब नेट गेटवे, अब नेट गेटवे ये ऊपर बना, देखो नेट गेटवे का नाम क्या रखा है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं भाई, अपने हिसाब से रखते हैं ना, क्लाउड नॉलेज हाइफन नेट। ठीक है तो यहाँ पर भी हम लोग पहले ये डेस्टिनेशन को सेंड कहाँ करना वो मेंशन करते हैं, भाई तुझे भी इंटरनेट पे ही जाना है, ये ले यहाँ पर AWS इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा AWS नेट _ गेटवे, ये आएगा ना ये पैरामीटर ऊपर, ये जो है ठीक है। अब आएगा क्लाउड नॉलेज हाइफन नेट, क्लाउड नॉलेज हाइफन नेट, ये वाला क्लाउड नॉलेज हाइफन नेट, परफेक्ट। ये जरूरत नहीं है हमें, हटा देते हैं। ठीक है टैग ठीक कर देते हैं यहाँ पर, क्लाउड
knowledge-net. अब सबनेट एसोसिएशन का पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया ठीक। तो सबनेट एसोसिएशन का पैरामीटर यहां आ जाओ, ये लो। तो AWS रूट टेबल एसोसिएशन, तो क्या लिख देता हूं मैं, प्राइवेट हाइफन एसओ सबनेट का नाम। तो कौन सा सबनेट एसोसिएट कर रहे हैं, प्राइवेट हाइफन सबनेट रूट टेबल। अब यहां पे रूट टेबल की आईडी, तो प्राइवेट रूट टेबल की आईडी क्या बनेगी, AWS रूट अंडरस्कोर टेबल डॉट प्राइवेट आरटी। तो ये चीज तो है ही है, ये चीज ऑलरेडी है, सिर्फ क्या करते हैं डॉट प्राइवेट हाइफन आरटी डॉट आईडी। परफेक्ट, चलो अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगा। टेराफॉर्म अप्लाई, यस कर दो। डन, चलो वेरीफाई करते हैं। वीपीसी रूट टेबल प्राइवेट आरटी रूट, देखो हो गया, इसने IGW यहां से उठा लिया, IGW के वैसे से उठला, वो पब्लिक है ये तो। अच्छा इस पे देखना है ना, इसका टैग नेम क्लाउड नॉलेज ही रख दिया लगता है हमने। ठीक है ठीक है, टैग में दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, तो चलता है नेटगेटिव। ठीक है इंटरनेट देख लेते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा, आई थिंक अब चल जाना चाहिए। तो इंटरनेट चल गया, परफेक्ट। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा लैब। अब इसमें जो गलतियां हो सकती हैं वो देख लो आप लोग, क्या क्या हो सकती हैं आप लोगों के एंड से। हालांकि जो गलतियां होनी थी आप लोगों ने देख भी लिया, ये गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, देखो ध्यान आपको ये रखना है इन चीज़ों में, रिसोर्स ऊपर नीचे होंगे चलेगा है ना, ये ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट होता है ये क्लोज होता है, इस रिसोर्स का ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ ये क्लोज हुआ, ये तो टैग हो गया। इस रिसोर्स का ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होता है ये क्लोज हुआ, है ना। एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स के बीच में जितना चाहे गैप दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा गैप देंगे उतना आपको अच्छा रहेगा थोड़ा समझने में, है ना। जैसे ये मैंने गैप दे दिया,
ये यहाँ पे इतना गैप दे दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा, दिक्कतें नहीं आएंगी, जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो गलतियाँ फिर आप लोगों से नहीं हुआ करेंगी, है ना। ये लो ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ, ये तो इंग्रेस का स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, ईग्रेस का स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, टैग का स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, ठीक है। स्पेस दे दिया हमने यहाँ पर, ये लो अच्छा खासा स्पेस दे दिया, ये रिसोर्स पे स्पेस दे दिया, ठीक है, ये रिसोर्स पे स्पेस दे दिया, ये रिसोर्स पे स्पेस दे दिया, ये रिसोर्स पे स्पेस दे दिया मैंने, ये रिसोर्स पे स्पेस दे दिया, इस पे स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है, ये स्पेस दे दिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को फाइल को रीड वगैरह करने में, ठीक हो गया। और थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है तो आप पता क्या करें, कमेंट पास कर दें, जैसे मैंने कमेंट पास कर दिया ये लो, राइट, गोइंग टू वीपीसी, ये लो ठीक है। इसी को बोल्ड में करके ऐसे जब सबमिट बन रहा है तो यहां पास कर दें लो, बस और अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी बातें होती हैं जो हम लोग, आप करिए, आगे भी बताऊंगा मैं, और उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अभी अगर मैं दिखाऊं तो ये कितनी लाइन की कोड हो गए, 183, है ना। अब हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, कब, जब हम इसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लाएं, लूप का कॉन्सेप्ट लाएं, लेकिन अभी मैं वेरिएबल लूप जानबूझ के आप लोगों के सामने नहीं लाया हूं, जिससे आपको हॉचपॉच हो जाता। अभी सिंपल वे में हमने ये काम किया है, आगे जब हम लोग वेरिएबल लूप पढ़ लेंगे तो उसे भी यूज करके एक बार करके देख लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।